हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मदयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड जाकोबियन एज को हम ले रहे हैं। बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में हमने उस एज की इंट्रोडक्शन ली, खास मैंने पॉइंट्स आपसे शेयर किए एग्ज़ाम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, और बेन जॉनसन के फीचर्स हमने एज ए राइटर फिनिश किए थे, राइट? जिसमें उनका पर्सोना कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी, वो सारा हमने लिया था। तो दोस्तों, आज अब इस सेशन से ऑनवर्ड बेन जॉनसन्स के जो वर्क हैं वो हम करने शुरू करेंगे। तो जो जो उनके वर्क हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम के हैं, उनकी जो खास बातें हैं, वो हम करने शुरू करेंगे, ठीक है? तो आइए लेना शुरू करते हैं बेन जॉनसन के वर्क। तो दोस्तों, बेन जॉनसन के बहुत सारे वर्क हम लेंगे एंड आने वाले कुछ लेक्चर्स इन्हीं वर्क पे आधारित होंगे, क्योंकि एक एक करके बहुत प्यार से हमने हर लेक्चर लेना है। तो सबसे पहला वर्क दोस्तों हम जो बेन जॉनसन का करेंगे, दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है? ये सबसे पहला हम लेंगे बेन जॉनसन का, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एंड इफ़ यू डू रिमेम्बर, इस वर्क के बारे में बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर था, इसमें शेक्सपियर ने भी खुद एक्ट किया था। ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, शेक्सपियर जैसे जो ग्रेट राइटर हैं उन्होंने बेन जॉनसन के इस प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो है परफॉर्म किया था, जो 1598 में आया था। तो आइए इस प्ले को, इसकी खास बातों को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि एवरी मैन इज ह्यूमर ये की है सभी ड्रामा के लिए, यानी कि इसके जो भी ड्रामा थे उनकी जो चाबी है वो इसी से है। यानी कि ये मास्टरपीस वर्क था बेन जॉनसन का, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाला हर लेक्चर, हर ड्रामा था बेन जॉनसन का, वो जुड़ा हुआ था। यानी कि अगर आप एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को अच्छे से पढ़ लें बेन जॉनसन को, तो आपको बेन जॉनसन के सारे ड्रामा, उनके सब ड्रामा प्लेस की कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है? तो ये जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये जो है की है उनके सभी ड्रामा की, उनकी सभी ड्रामा की जिस्ट यहाँ मौजूद है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि कैसे जो ह्यूमर होता है, जो मजाक होता है, वो हमारी सोसाइटी का एक मेन करेक्टरिस्टिक है, यानी कि हमारे सोसाइटी का एक मेन फीचर है ह्यूमर, है ना? देखो, जैसे हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे सोसाइटी में बिना ह्यूमर के, बिना हंसे नहीं रह सकते, है ना? जैसे अगर दुख है तो सुख भी है, तभी जिंदगी का फन है, जिंदगी का मजा है। एंड ह्यूमर हर कोई है जो टटोलता है अपनी जिंदगी में। तो यही उन्होंने कहा है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसका ह्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोनर है, हंसी मखौल बहुत इंपॉर्टेंट जोनर है, वो ये बताता है। और आपको पता है एवरी मैन इज ह्यूमर, ये बेसिकली एक सिटी है, उसके पे सटायर बताया गया है। कहने का मतलब क्या है कि एक सिटी, एक शहर का जिक्र यहाँ पे है एंड उस शहर के इर्द गिर्द ये पूरा प्ले, पूरा ड्रामा रिवॉल्व कर रहा है एंड उस सिटी के जो है उसी पे ही सटायर क्रिएट किया गया है ना। क्योंकि देखो, जब कभी हम कुछ कॉमेडी क्रिएट करते हैं, कुछ मजाक क्रिएट करते हैं, तो कोई ना कोई स्टोरी लाइन होती है, कोई थीम होती है, कोई कैरेक्टराइजेशन होती है, जिसके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि लोग उस पर फिर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा सेटअप है वो एक सिटी का है एंड उस सिटी के इर्द गिर्द जो है पूरा सटायर, पूरा मजाक क्रिएट किया गया है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, इसमें ना उन्होंने हमें फोर टाइप ऑफ ह्यूमर बताए हैं। मतलब जो मजाक हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ये हैं वो चार प्रकार। ये चार प्रकार करने से पहले एक बात आपको मैं बता देती हूँ, साइंटिफिकली चीज कही है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के माध्यम से बेन जॉनसन ने, ठीक है? देखो, मजाक के चार टाइप से मतलब क्या है, आपने देखा होगा कई कितना गंदा मजाक करते हैं किसी के, किस गंदा गंदे वे से, किसी से कुछ बुरा हो तब हंसते हैं कुछ लोग, है ना? कुछ लोग लाइट होते हैं किसी, मतलब वाकई कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो हंसते हैं, है ना? या आपने देखा होगा कुछ लोग कितने ज्यादा मजाकिया होते हैं, चुप ही नहीं होते, चुप ही नहीं होते, पागलों की तरह हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं ना? और कई कितने सीरियस से होते हैं, उनकी दांत निकालने भी बड़ी मुश्किल है, मतलब उनका ये पोर्शन भी आपको कभी दिखा नहीं होगा। तो क्या होता है, ये ना हर पर्सन की एक नेचर होती है। कई बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, कई बड़े मजाकिया होंगे, कई बड़े चुपचाप होंगे, कई बड़े हंसमुख होंगे, और ये जो नेचर होती है
ये हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं, राइट। हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं उस पर डिपेंड करती है। ये बहुत ही एक साइंटिफिक वैज्ञानिक चीज़ बेन जॉनसन ने कही है कि जो ह्यूमर है, जो मजाक है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस सिचुएशन पे हंस रहा है, किसी गंदे पे या किसी अच्छे पे। और फर्दर वो क्यों गंदे पे हंस रहा है या अच्छे पे, वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी बेसिक नेचर कैसी है, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ ह्यूमर इसने हमें दिए हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। तो एक और ये बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी में दोस्तों कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो पूरी बॉडी में ब्लड है ना, ब्लड के अलावा लीवर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में। आपने सुना होगा पेट में लीवर है, पैनक्रियाज है, मैं साइंटिफिक चीज़ की बात कर रही हूँ, वो कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट करते हैं। तो किसकी बॉडी में कौन सी चीज़ ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है उसकी नेचर कैसी होगी। सो ह्यूमर के, मजाक के साइंटिफिक फैक्ट्स हमें ब्रेन जॉनसन ने दिए, बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं और बेसिकली 4 प्रकार के हमारे बॉडी में लिक्विड्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। एक है फैल्जम, एक है येलो बाइल, एक है ब्लैक बाइल और एक है ब्लड। ब्लड तो आप सबने सुना ही होगा, खून होता है, सबके शरीर में होता है। और एक है ब्लैक बाइल, एक है येलो बाइल और एक है फैल्जम। तो बेसिकली ये 4 लिक्विड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, और इन्हीं 4 लिक्विड्स की वजह से हमारी बॉडी जो है अलग सिचुएशन पे अलग रिएक्ट करती है। कुछ को गंदी चीज़ों पे हंसी आएगी, कुछ को वाकई हंसने वाला लाइट साइब्स पे हंसी आएगी, है ना। तो वो नेचर जो है इस पे डिपेंड करती है। तो 4 चीज़ें हैं, फैल्जम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। इसमें से एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें ब्लैक बाइल की जो है क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होती है, वो बहुत मेलनकॉली होते हैं नेचर में। मेलनकॉली यानी कि बड़े दुखदायी से होते हैं। ऐसे भी ब्लैक कलर जो है एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है वो बेसिकली मेलनकॉली को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे आपने बस ध्यान रखना है, बेन जॉनसन ने साइंटिफिक वे से हमें बताया कि ह्यूमर कितने प्रकार का है। ह्यूमर जो है इंसान से बना है, ठीक है, इंसान कुछ बोलेगा, सामने वाला इंसान हंसेगा, ह्यूमर हो गया। अब सामने वाला इंसान किस सिचुएशन पे रिएक्ट करता है वो अलग अलग डिपेंड करता है उसकी बॉडी में कौन सा लिक्विड है। तो 4 लिक्विड हैं, फैल्जम, येलो वाइट, ब्लैक बाइल एंड ब्लड, ठीक है। ब्लड आप सबने सुना ही है, तो जिनमें येलो बाइल होता है वो बेसिकली कॉलेरिक बोलते हैं उनको नेचर में, ब्लैक बाइल होता है वो मेलनकॉली होता है, और ब्लड और फैल्जम। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको घर से दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं करवाने को यहाँ भी करा दूँ, पर आप में से मेरे पास आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ तो मुझे पता है, आपको घर से दे रही हूँ। आपने सर्च करना है फैल्जम इन बॉडी वेयर इट इज प्रेजेंट, फैल्जम डालना नॉर्मल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लड डालना, ठीक है। ब्लड का तो आपको पता है, ब्लड आप गूगल पे सर्च मत करना, ब्लैक बाइल सर्च करना, येलो बाइल सर्च करना, फैल्जम सर्च करना, ठीक है। तो जैसे ही आप इनको डालोगे, फैल्जम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, आपके सामने गूगल पे ओपन हो जाएगा कि ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं या हमारी बॉडी पे कहाँ मौजूद है। बस आपने इतना ध्यान रखना है, बस दैट वुड बी सफिशियंट। ब्लड आपको सबको पता ही है, वो तो छोटा सा कट लगेगा, इतना सारा हर किसी का निकलेगा, खून सबकी रगों में बहता है, आपको पता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 थिंग्स एक्स्ट्रा, फैल्जम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल इज मेलनकॉली, येलो बाइल मीन्स क्लोरिक, या आपने देख लेने। बस पेपर में अगर प्रश्न आएगा तो ये 4 ह्यूमर्स पूछे जाते हैं, इनके नेम पूछे जाते हैं, और आप जब इनको प्रॉपर सर्च करोगे गूगल से, आपको पता लगेगा कि बॉडी के किस पार्ट में ये हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो आपको ये वर्ड और भी ज़्यादा पक्के याद हो जाएंगे। और एक टिप आपको देना चाहूँगी, जब कभी कोई ऐसी टर्म आपके सामने आए जो ऐसे आपने नहीं सुनी है, टफ लग रही है, तो उसको बार बार करो, जगह जगह से करो, वो बार बार जगह जगह से करते हो, जो एक्स्ट्रा याद करने के चक्कर में ये मेन ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, ठीक है। सो ये है दोस्तों एवरी मैन इज ह्यूमर, ये बेसिकली 1598 में आया था, इसमें शेक्सपियर ने भी परफॉर्म किया है, ये सभी ड्रामास की हैं, ठीक है, बेन जॉनसन के। इसमें सोसाइटी पे जो है काइंड ऑफ एक सटायर क्रिएट किया, एक सिटी है उस पर सटायर क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर बेन जॉनसन ने बताए हैं कि 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं जो हमारी बॉडी पे डिपेंड अपॉन द कंडीशन इन एलिमेंट पे, इसमें से जो भी एलिमेंट ज़्यादा होगा हमारी बॉडी पे उसी पे आधारित हमारी नेचर होती है। ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फैल्जम, ठीक है। ब्लैक बाइल मेलनकॉली दुख, येलो बाइल क्लोरिक एंड फैल्जम,
ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चार आपको पता होने चाहिए। ओके, तो अभी तक आपने क्या करना है दोस्तों, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसको भी गूगल कर लेना और ये भी गूगल कर लेना, ऐसे ही पीछे भी आया था, मैंने गूगल करने को कहा ही था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्क जो हम बेन जॉनसन का लेंगे, डेट इज सिंथिया रिवेल्स बाय बेन जॉनसन। ठीक है, सिंथिया रिवेल्स बाय बेन जॉनसन। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ यही बताना है कि इस पे कोर्ट पे ह्यूमर है। कोर्ट क्या होता है? दरबार। ठीक है, जैसे राज दरबार होते हैं, उस पे ह्यूमर है। जैसे पीछे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में एक सिटी थी, उस पे आधारित कुछ ऐसे चीज़ें क्रिएट की गई कि हंसी मजाक क्रिएट हो। तो सिंथिया रिवेल्स आपका बेन जॉनसन का वर्क है, जिसमें राज दरबार पे सटायर क्रिएट किया गया, जो दरबार में जैसी कैसी चीज़ें होती हैं एंड ऑल, उस पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे इतना ही कराना था सिंथिया रिवेल्स में, तो सिंथिया रिवेल्स को भी आप गूगल कर लेना। ठीक है, ये किस साल वर्क आया है वो भी पता लग जाएगा, और इसकी सारी खास बातें भी पता लग जाएंगी। तो अभी की क्लास में दोस्तों ये दो वर्क ही थे, दोनों को आप गूगल कर लीजिएगा और ये वाले अलग से करिएगा इसके टर्म्स, तो डैट वुड बी सफिशियंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस कोर्स के इस एज के सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि राइटर्स आते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को कि कौन पहले आया कौन बाद में, वैसे ही एक बात आपको बता देती हूँ, वर्क भी आते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को कौन पहले आया बाद में। वो वर्क अलग अलग राइटर्स के भी हो सकते हैं जो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दिए जाएँ, या एक ही राइटर के भी हो सकते हैं, इट कैन बी लाइक बेन जॉनसन या शेक्सपियर, जिसके इतने सारे वर्क हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सो ध्यान से करिएगा, आगे दौड़ पीछे चौड़ मत करिएगा, आगे बढ़ते रहिए पर पिछला समेटते रहिए। जो जो क्लास में कराया गया है अच्छे से करिए, हर चीज़ को जो मैंने साथ में बताया है गूगल से उसको करिए, और एज खत्म होने के बाद आरएस मलिक एमसीक्यू जो भी इस कोर्स में अवेलेबल दिए हैं ऐप में, और बाकी जो बच गया उसको फिर आपको पता ही है, जो कुछ और भी बच गया उसको भी गूगल करिए। ठीक है, और अगेन मैं कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों से बात हो रही है, वो क्लास वाला अच्छे से कर रहे हैं, गूगल वाला या तो उन्होंने कर लिया है या वो सोच रहे हैं कि करते हैं या समथिंग, या थोड़ा हो गया है। तो ध्यान रखना, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने दिन के लेक्चर्स का टारगेट रखा है, उन्हीं लेक्चर के साथ ही गूगल वाला करो बेटा, बाद को मत करो, उससे आपका ही समय बचेगा। बाकी आप खुद समझदार हो, जैसा आपको ठीक लगे करिए। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा, आने वाले लेक्चर में हम अगले वर्क एक्सप्लेन करेंगे, जैसे द पोर्टेस्टर और बेन जॉनसन से शुरू करेंगे। तो क्या दोस्तों आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2, तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कोर्स ऐप का लिंक, और पूरा कोर्स इंग्लिश NTA पेपर 2 पे मौजूद है, मस्त तरीके से मस्त गाइडेंस के साथ, ना हींग लगे ना फटकरी, और एक कप दिन के चाय पैसे के साथ आप पूरी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये है इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपकी कोई भी तैयारी रिलेटेड है NTA को लेकर आप हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी। NTA हो, सेट हो, MPhil, PhD, एंटर इंग्लिश को लेकर कुछ भी है, वी विल हेल्प यू, गाइड यू। एंड इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है आप सबका अपना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे पॉकेट पढ़ाई, फॉलो अस देयर। और ये जो पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप है इंडिया का, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया, भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, इसका हिस्सा बने। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, टेक केयर।